नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। और वापस आए हैं थोल बर्ड सेंचुरी। सुबह आ गए थे हम करीबन करीबन 5:45 पे, तो ज़्यादा स्टार्टिंग में कुछ बनाया नहीं। आज जैसे ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी। तो अभी हम हैं एकदम डीप जंगल के अंदर, और ध्यान से सुनेंगे तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। उससे गजब की चीज़ आपको दिखाएं, गंदगी, सब प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक। यहाँ पर भी दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए। तो बाहर की तरफ भी गंदगी बहुत हो रही है, अंदर भी है, और ये बड़ा घटिया चीज़ है। इंसान को समझना चाहिए कि नेचर को बचाएं, परंतु वो कहाँ सुनने वाला है। क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का? कोशिश है कि सरकार तक ये बात जाए, उनको मालूम पड़े, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जानवरों को बचाने के लिए कुछ नए कानून, कुछ नए काम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और जंगल तो है ही, खूबसूरत जंगल है। तो आज है 1 नवंबर और मेरा जन्मदिन था, तो मुझे बर्थडे बर्थडे इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैं सुबह निकल के वाइल्ड लाइफ में आ गया, अपने जंगल में आ गया। बात करें दिन अभी तक, मतलब सुबह कैसी रही, तो सुबह ठीक ठाक रही। एक आध नई चिड़िया दिखी, कुछ की फ़ोटो ली। बात करें कोई ख़ास चीज़, तो ऐसी अभी ख़ास चीज़ नहीं मिली है, और हम जिसके लिए आए थे वो बर्ड तो अभी तक नहीं मिली, और लग रहा है कि वो है भी नहीं यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, परंतु कोशिश है कि आज के इस वीडियो में आपको दिखा दें कि कैसे फोटोग्राफी करते हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी बता दें, मीटरिंग क्या होती है और कुछ अदर डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये रहा हमारा कैमरा, और इसको अगर हम ऐसे रखें तो ये जो होती है मीटरिंग होती है, अगर इधर जा रही है तो ब्राइटर, इधर जाएगी तो डार्कर। तो आपको रखना है 0 के अंदर, अगर देख पाएंगे तो 0 पे रखना है, ताकि परफेक्ट फोटो आए, परफेक्ट लाइट रहे। हमारा अभी देख सकते हैं शटर स्पीड है 1/2500, एपर्चर F0, और ISO आप देख सकते हैं। रो प्लस जेपेग में ही फ़ोटो लें, और AI फोकस से हाइयर शटर हो तो उसमें लें, ताकि आप ज़्यादा कैप्चर कर सकें। और जब भी बर्ड अगर उड़ रही है तो आपको ये कंटिन्यू शॉट वाले चाहिए ऑप्शन। तो ये कुछ हमारी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं ज़्यादा हम चेंजेस करते नहीं हैं। तो मीटरिंग की बात करें तो ये मीटरिंग रखनी चाहिए, या फिर स्पोर्ट मीटरिंग, पर हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। एंड ये तो आपके ऊपर है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शंस करिए। सो ये बेसिक चीज़ है, और ज़्यादा हमने इसमें कोई चेंजेस कर नहीं रखे। वाइट बैलेंस ऑटो है, क्योंकि वाइट बैलेंस ऑटो ही रहना चाहिए, तो वाइट बैलेंस ऑटो है, और कोई ऐसी खास चीज़ हमने इसके अंदर नहीं की। और फोटो तो आप इंस्टाग्राम पे देख लेते ही होंगे, अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नीचे आ रही है, नीचे हमने लिंक भी दे रखी है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं, और चलते हैं यहाँ से, लगाते हैं ट्राइपॉड पे गोप्रो को, और दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से आप यहाँ फोटो ले सकते हैं हैंडल हैंड। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं। तो हो सकता है मैं आपको दिख रहा हूँ और आपको मेरा कैमरा भी दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, हाथ लेना है, यहाँ पे रखना है, और ध्यान रखना है कि जूम इन जूम आउट कहाँ से होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ हाथ रखिए, अगर ज़्यादा खोल रहे हैं, अगर कम खोल रहे हैं तो यहाँ रखिए, अगर ज़्यादा खोल रहे हैं देन यहाँ रखिए, ताकि इसका जो वेट है उसको आप इजीली संभाल सकें, और इजीली यहाँ पे आप
फोटो ले सकें। ये तो सिंपल सी बात बता दी कि कैसे आप पकड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके हाथ को ऐसे टक करना है, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये करना है और ये। मैं मोस्टली ऐसे रखता हूँ क्योंकि मेरे को हैबिट हो चुकी है, पहले मैं भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैं यहाँ रखता था देन फिर ऐसे रखता था और ऐसे फ़ोटो खींचता था, देन धीरे धीरे आदत हुई तो वो हो गया। परंतु स्टार्टिंग में आप यही कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे टक करें और देन आप फोटो खींचें। यहाँ पे बात कर लें अगली चीज़ की, तो आपको हल्की सी बॉडी पीछे झुकानी है, बिल्कुल हल्की, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी बॉडी पीछे झुकानी है ताकि आप बैलेंस बना सकें, साथ ही साथ आप इजीली फ़ोटो ले सकें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये लिया, मैं ऐसे भी खींच लेता हूँ अब, और ऐसे भी आप खींच सकते हैं। तो ये हो गई किस तरह से आप कैमरा पकड़ सकते हैं, क्या आपकी पोजिशनिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे कैमरे को हम डाउन करेंगे, गोप्रो को, और फिर आपको दिखाएंगे कि नीचे कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसको नीचे कर लेते हैं, हो सकता है आपको मैं दिख रहा। तो अगर अब आपको बैठ के फ़ोटो लेना है तो अपने ये राइट वाले जो सॉरी जो लेफ्ट वाला पाँव है उसको आगे रखिए और हाथ को इसके ऊपर रखिए। एक तरीके से आपको पाँव को यूज़ लेना है स्टैंड की तरह, और जो राइट वाला है उसमें भी यही करना है, उसके ऊपर हाथ रखिए एंड देन फोटोग्राफी कीजिए और धीरे धीरे ये आपका हो जाएगा। और अगर दिक्कत आ रही है तो ये वाला जो पाँव है आपका लेफ्ट वाला उसको नीचे रखिए एंड अब जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मसल्स के कारण ये इधर उधर होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है, परंतु कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आप फ़ोटो ले सकेंगे अगर आपको बैठ के फ़ोटो लेनी है तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं आप। अब आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अभी आपने अगर मेरे को ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहाँ से किया, ऐसे ही सेम आपको खड़े होके जब लेंगे तो ये आपको मूवमेंट रखना है। तो इजीली आप यहाँ पे शॉट ले सकते हैं, इजीली आप बर्ड उड़ रही है तो आप फोटो ले पाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सो, मुझे इससे अच्छा तरीका नहीं बता मिल सकता आपको बताने का, तो हो सकता है अगर मैं आपको दिख पाऊँ। सो, इस तरह से आप लेट के फोटोग्राफी कर सकते हैं और मस्त बैठा था वो, अब तो चले गए, बट हाँ कुछ ऐसे आप कर सकते हैं फोटोग्राफी, वो चले गए अंदर। मैंने आपको ये भी बोला है कि गंदगी मत देखिएगा, परंतु एक चीज़ देखिएगा कि आसपास चींटी का घर तो नहीं है या फिर कोई और जानवर तो नहीं है, तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा। गंदगी की चिंता मत कीजिएगा, परंतु इन चीज़ों की चिंता कर लीजिएगा, क्योंकि ये काट गए तो फिर वो खुजली चलती है, वो कंट्रोल नहीं होता है और फिर दिक्कत भी होती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही गजब का है, परंतु इतनी दूर है वो फ्लेमिंगोस कि क्या ही बताएं। मतलब यहाँ से तो फोटो नहीं आनी, और जितना मुझे लगता है वहाँ से भी फोटो नहीं आनी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप ले सकते हैं फ़ोटो, और हो सकता है थोड़ा बहुत समझा पाया होगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए
जब भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें। अभी तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो जहाँ मुझे कम बोलना होता है मैं वहाँ कम बोलता हूँ। तो जितना हो सके शांति रखिए। और ये हमारी नई ड्रेस है, मतलब नई तो क्या है, हो गया उसको टाइम, परंतु अब फाइनली ये आ चुकी है घर से। तो ये हमारी पूरी एक ड्रेस है जिसके अंदर आप इजीली जंगल के अंदर घूम सकते हैं और साथ ही साथ घुल मिल सकते हैं। तो जानवरों की जो फोटो है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। और हर टाइम बोला कान नाक और आँख खुली रहनी चाहिए। अब हमारे को आवाज़ आ रही है पर क्या है समझ में नहीं आया। तो यही चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ें बताई। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो क्या बोल सकते हैं आप, जो इंटरेस्ट है, जो उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा ना, उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। और कितना वेट करना पड़ सकता है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फोटोग्राफी करते रहना पड़ेगा। और प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ही जाके कुछ होना है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके कैमरे के साथ एक दोस्ती बनेगी, और वो जो दोस्ती बनेगी ना, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, और आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बढ़िया तरीके से फ़ोटो ले पाएंगे। तो रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, घर के आसपास की खींचिए, पर खींचिए, कोई भी छोटी मोटी बर्ड दिख गई फ़ोटो लीजिए, पर लीजिए, ट्राई करते रहिए, तो वो आपको बेहतर बनाए। तो मैं एक बात बोलना भूल गया आपको कि ये मेरा आखिरी वीडियो है, मतलब थोल का और अहमदाबाद का। अब मैं इसके बाद कहाँ जाने वाला हूँ तो वो भी मैं सीक्रेट ही रखूँगा, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। परंतु अभी उसमें टाइम है, जैसे मैंने बताया कि आज 1 नवंबर है और मैं यहाँ से निकलूँगा 10 नवंबर को, तो तब तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये आखिरी, अभी के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है, देन फिर कंटिन्यू करेंगे। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। आज वैसे ज़्यादा हमारी करने की इच्छा नहीं थी, बस थोड़ा हमारे को निकलना था तो हम बाहर निकल गए। तो 10:31 हो चुकी है, तो अब मोस्टली हम यहाँ से निकलेंगे, और बस यही चीज़ें बतानी थी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, और आशा करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें आपको बता पाए होंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इसे फैलाइए, सजेशन दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो सजेशन देते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त सूर्यकांत मंसाड़ा। भारत माता की जय, जय शिव शक्ति।